अनंतनाग के दिरहमा शिरोगुफवारा के लोगों ने रेलवे परियोजना के विरुद्ध आज रोष जताया। विधायक बीज बेहड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी के समक्ष लोगों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक के अधीन उनकी जमीनें आने से उनकी रोजी रोटी छिनती जा रही है, जिस कारण वे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। अगर क्या मदद दियो खुदा सिंह खातर सुदियो मे तय सुरीज दियो मे तय मन बचन वापस बाकी गे गलती तथा माफी सुरीज गए बचन धरम वापस यह वन मुनिस आसस मन यह गए अम बस दिन मकान दी आ रहे हैं उसके बीच में से मेहरबानी करेंट रेलवे प्रोडक्ट बेरोजगारी ला तदाद कमाई वुहन वर्य त्रहन वर्य बल सानो मालो माजो कुल पे पकान अड़े कंची करनी गूंठ वाले गसान बेरोजगारी से ला तदाद ला ननगिनत ना हे नौकरी हूँ जॉब ये मोदी जी कहें ते दिन मगर अच्छे गुजारिश कर बस ये दिल कि तु बचो सोन लैंड यम सोन घर पक मेहरबानी गुजारिश कर मेहरबानी कर बेरोजगारी दौर अगर नम नौकरी जॉब दिमो तो सोच जमीन रुको क्या हम पुन अहल अल पकन चाहे कम चाहे ज्यादा चाहे कहो यह अल पक बेरोजगारी ये वास्ट ये वे पी एच डी एम ए बी एड एम एड कर लड़के वे घर बिहत कंची कर क्या रोप दस जन खुद रोप जन खुद रोप रेलवे यह प्रोजेक्ट नि अस कस जमीन रोज तुम्हें बहुत तुम बंद मात वन गुजारिश कर कतन गो कतन बेहो अक शल्टर कुन जाए बिहत अकन टेंट कुन जाए रचित मगर बहुत गुजारिश कर पन पान नार दमो नप रेलवे खंड क्या रेलवे गए कैंसल बराबर रेलवे स्टेशन पे तौर पहलगाम तक क्या डॉक्टर साहब नॉर्दर्न रेलवे ने जो रेलवे प्रोजेक्ट पहलगाम की ओर शुरू किया है इसके हवाले से मुख्तलिफ सर्वे हो चुके हैं तो लोगों में तश्वीश पैदा हो चुकी है जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में। इस वक्त आप दिरहमा आए तो यहाँ पे भी लोग परेशान हैं, आप क्या कहना चाहें? ये दिरहमा का ही मसला नहीं है, ये पूरा इलाका परेशान। आप बिजबाड़ा से लेके इस तरफ की बात करें या बिजबाड़ा से लेके शुपया की तरफ बात करें, देखिए कश्मीर जो है ना यहाँ लिमिटेड लैंड रिसोर्स है। वी आर श्रंक बिटवीन 80 into 40 miles, इसी में सब कुछ है यहाँ पे। और जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ का जो लैंड है वो भी एक तो फर्टाइल है, दूसरा बहुत कम है यहाँ पे लोगों के, वी कैन से दे आर द मार्जिनल फार्मर्स। और बड़ी मुश्किल से किसी के पास 4 canal है, किसी के पास 5 canal है, और पढ़े लिखे नौजवान हैं। और दिस इज़ द ओनली वे आउट फॉर द एम्प्लॉयमेंट टू आवर यूथ। इन एबसेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज इन लार्जली इन कश्मीर, तो अब अगर आप इस पे भी शबे खून मारेंगे, ये ज़मीन आप ले लेंगे। और पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, पहलगाम में कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं, और पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है कि आप यहाँ से रेलवे का ट्रैक बिछा रहे हैं और इतने लोगों को ज़मीन से बेज़मीन कर रहे हैं, उनको डिसएम्पावर कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इन प्लानर्स का क्या मसला क्या है, वेदर दे वॉन्ट टू डिस्पोजेस अस, वो हमें इससे हमारी इकोनॉमी को मज़ीद शटर करना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश कर रहा हूँ और इसके लिए हम एक जद्दोजहद शुरू करने वाले हैं कि हम किसी भी सूरत में ये यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लोगों के रोज़गार का मसला है। हमारे यहाँ पे वी हैव सस्टेनेंस ओवर दिस लिमिटेड पैच ऑफ लैंड।
अगर हमारे इनको करना ही ऑगमेंटेशन करना है, यहाँ केपी रोड जो हमारा है खनबल से पहलगाम जो जा रहा है उसको एक्सपेंड करें, अगर और इनको रेलवे ट्रैक देना है तो जैसे बाकी शहरों में इन्होंने मेट्रो बनाया है तो मेट्रो उस सड़क के साथ साथ जा सकता है। हमारा सबसे एनिशियंट रूट जो है पहलगाम जाने का, चाहे यात्रा कहें आप या कुछ कहें, वो बीएल रोड है, बिजबारा टू लंगनबल रोड, उसको एक्सपेंड कराएं। वहाँ पे जो लोगों के शेड्स आएंगे, मकान आएंगे, उनको कंपनसेशन दे दें, हम फैसिलिटेट करेंगे उसको फोर लेन बनाने के लिए, ताकि जो मूवमेंट है वो ठीक हो जाए। और अगर वहाँ से भी मेट्रो फिजिबल बनती है तो मेट्रो बनाए, वहाँ से नदी के किनारे बनाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन क्यों जानबूझ के ये ऑर्चर्ड लैंड्स को ले रहे हैं, क्यों जानबूझ के एग्रीकल्चर लैंड्स को ले रहे हैं, तो हमारा इस पर एतराज़ है और मैं लोगों के साथ हूँ। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम इंशाल्लाह इसके लिए रेजिस्टेंस शुरू कर रहे हैं और मैं जाके मिलूंगा भी ये जो नॉर्दर्न रेलवेज के जितने भी यहाँ पे ऑफिसर हजरात होंगे उनसे भी आने वाले टाइम पे मैं मिलने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट भी साथ जा रहा है, वो भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि पहलगाम इतने सारे लाइन ले जाने का क्या मकसद। इफ़ देर इज़ सम डिफेंस रिलेटेड यू नो स्ट्रेटजी बिहाइंड इट, दे मस्ट डेवल इट, दे मस्ट एक्सप्लेन इट टू द पीपल, तो हम भी समझें, नहीं तो पैसे पड़ते क्या राज है। तो मेरी इसलिए मैं अपने लोगों के साथ हूँ, 11 बजे से ये सब लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया मैं चंद मसरूफियात की वजह से, नहीं तो यहाँ जगह जगह पे चाहे पटनू है चाहे और भी मुतसिल गांव है इसके, वहाँ पे भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लोग, मैं ये कहूँगा कि यहाँ से लेके बिजवाड़ा तक जितना एरिया है, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने गांवों को मैं जानता हूँ, वो सब मेरे इलाके में आ रहे हैं। हर जगह से मुझे ये आवाज़ आ रही है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, इससे हम डिस्पोजेस हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमारा ये यहाँ पर आज छोटा सा एक इंस्पेक्शन चल रहा था, मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कहाँ कहाँ से ये नुकसान हो रहा है। शुक्रिया। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना? वो तो लड़की है, लेकिन हाँ उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है, फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है, और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम, हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई, तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम आपको भी छोड़ देती हूँ। चीती रहो। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर, जिसमें मिलेगा हर इलेक्ट्रिक ऑटो पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक साइकिल पर मिलेगी 2,500 रुपए की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स बिहाइंड साइंस सहयोग होटल गंग्याल जम्मू, मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।